का जोड़ू भगत की किल्लत है, जितने भी मेरे आप इसके बाद जितने भी मेरे ये पंच सरपंच हजरात है या कमिंदर साहेबानी जितने भी मैं नाकाफे तो कट जाती है जंजीरें। निगाह है वली में वो तासीर देखी, निगाह है वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की हमने तकदीर देखी। गरीब लोगों के खिलाफ बच्चे नहीं लगने चाहिए आज के बाद काला कोट में। दूसरी बात, यहाँ के जो डीलर है इस एरिया के सब अच्छे लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी एक बार ईडी साहब से कि इन डीलरों के तेल खोल दिए जाए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है गैस जलाने का भी। जितने डीलर है यहाँ के सब अच्छे लोग हैं, इन सब के तेल खोलने चाहिए, क्योंकि हमारी जो गरीब आवाम है उनको तेल चाहिए। पिछले काफी महीनों से यहाँ का तेल बंद है, तेल खुलेगा तो गरीब आवाम को आराम मिलेगा। यहाँ की आप लोगों को आने वाले वक्त में मेरा साथ देना है। मैं सच में आपके उसी साथी का बेटा हूँ, ठाकुर इशपाल सिंह साहब का, जिसको आप बहुत प्यार करते थे। वो प्यार आप लोगों ने 30,000 वोट दिया कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो एक एक वोट मेरे लिए इस टाइम मुश्किल वक्त में एक एक वोट में आप लोगों के खून के बराबर है जो आपने दिया। ठाकुर इशपाल सिंह का बेटा भी आप लोगों के लिए खून देने के लिए तैयार आने वाले वक्त। और जिन लोगों ने इस वक्त में मुझे वोट नहीं दिया, मैं उन्हें भी ये बोलूंगा, आप लोग भी मेरे हैं, अगले आने वाले वक्त में मेरी मदद करो, और आप भी हमारे हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, यहाँ काफी साथियों ने मैंने बोला कि आने वाला एमएलए ठाकुर इशपाल सिंह का बेटा होगा, ठाकुर इशपाल सिंह का बेटा एमएलए नहीं होगा, कालाकोट की गरीब आवाम एमएलए होगी आने वाले वक्त में। यहाँ मुझे कोई सियासत का शौक नहीं था, ये मेरी मजबूरी मुझे सियासत में ले आई, और मुझे लालच है, मुझे लालच पैसे की लालच नहीं है, मेरी लालच ये है जितनी इधर मेरी जिंदगी रहे मेरे वालिद का नाम कालाकोट में यहाँ जिंदा रहना चाहिए, मेरी लालच ये है। इस मन से मैं डिस्ट्रिक्ट रिजौरी के अफसरों को भी बोल देना चाहता हूँ कि ठाकुर इशपाल सिंह का बेटा कसम खा के आया बाबा शाहदरा शरीफ की, वैष्णो माता की, कि जितनी देर सियासत में रहेगा ईमानदारी से रहेगा। मैं अफसरों से भी ये बात बोलूं, मेरे गरीब लोगों को तंग मत करना, चाय पीनी होगी चाय मैं पिलाऊंगा, रोटी मैं खिलाऊंगा, पर आपने गरीब आवाम का काम करना मेरे कालाकोट का। आप लोगों को गरीब आवाम को खुश करना है, पुराने मिनिस्टरों के बेटे की तरह ठाकुर इशपाल सिंह के बेटे को हफ्ता या महीने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिल तब खुश होगा जब मेरे लोगों की सुनवाई होगी कालाकोट में, जब मेरे गरीब लोगों की सुनवाई होगी। हमें इस उम्मीद से आगे चलना है, काम करना है, और ये तीनों सीटें मेरी वाली साहब की दुआएं से हम जीते हैं यहाँ कालाकोट में। आने वाले वक्त में हमें और काम करना है, और ये जो तीनों सीटें हैं वो जो हमने इलेक्शन लड़ी तीनों सीटों में, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भूषण रूपर जी की सरपरस्ती में लड़ी, इनकी इनको मुबारकबाद है तीनों सीटों का। क्योंकि जब ऐसा शेर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो तो उसकी टीम ही सभा शेर बन जाती है, जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेर हो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने दिखा दिया, कालाकोट की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोली में डाल के दिखाया इन्होंने। आने वाले वक्त में हम सारे लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की सरपरस्ती में काम करेंगे कालाकोट की तंजीम के लिए, और कालाकोट आते हैं कालाकोट की आवाम की जो तवक्कात है उनको पूरा किया जा सके, कालाकोट के लोगों के काम किए जा सके। ये बहुत ही दूर दराज और पिछड़ा हुआ इलाका है। आप समझते हैं कि मोगला जो मोगला और फवास को जोड़ के कि जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी तो मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि ये कैसा उल्ट हो गया, ये गलत हो गया। मुझे ख्वाज से भी फोन आए कि यार अब ये ठीक नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं ये बहुत बढ़िया हुआ। एक पिछड़ा हुआ इलाका, चाहे वो तीन पंचायतें कालाकोट की हों, आठ पंचायतें मोगला की अपना ख्वास की हों, 11 पंचायतें मोगला की हों, सबका जो दर्द है वो एक जैसा है। सबके स्कूलों में टीचर नहीं है, सबके गांव में अस्पताल नहीं है, सबके यहाँ रोडों की प्रॉब्लम है, सबके यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है। तो कम से कम हम जो सब सताए हुए लोग हैं, जो मुश्किलों वाले लोग हैं, सब इकट्ठा होकर के हम फाइट करेंगे और इसको एक नंबर पे लाएंगे। जब शमीम को खड़े करने की बात थी तो आप जानते हो
कि पिछले साल इन्हीं दिनों में दौड़ रहा था शमीम को हराने के लिए और अपनी बहन सुरेखा को जिताने के लिए, तो आप लोगों ने उस समय भी हमारी इज्जत रखी और बहुत अच्छे मार्जिन से हमने शमीम अख्तर से वो सीट जो है वो जीती, जिसको 35 वोट मिले, 35 वोट मिले और सुरेखा मैडम को 53 वोट मिले, 53। तो मेरे मन में एक कसर थी कि हमने अब एक बेटी को हराया है। तो जब ये बारी आई तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे लगता है कि उस बेटी को नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाना चाहिए और यहां ला करके उसको जिताना चाहिए। जब ये आई और सभी पंचायतों में मैं और शमीम जो है इकट्ठे घूमे हैं, तो मैं रास्ते में चलते हूँ पहले दिन से इसको कहता था, शमीम तूने डीडीसी काउंसलर बनना है, तेरे लिए आपको और कुछ मंजूर था, तेरे लिए बीडीसी नहीं। करती हूँ और आपको मुबारक देती हूँ क्योंकि ये एक मेरी जीत नहीं है, आप सब लोगों की जीत है और मेरा आप लोगों से यह वादा है कि मैं हर पंचायत में आऊंगी और आपके उधर काम वगैरह जो भी होंगे मैं उधर सुनूंगी, क्योंकि इधर थोड़ी टाइम की किल्लत भी है और मेरा आप लोगों से ये वादा है कि जहां मुझे बुलाओगे फोन करोगे मैं वहां पहुंचूंगी और मैं वादा करती हूं क्योंकि मैं हर पंचायत में अभी ही कुछ दिनों में एक एक राउंड लगाऊंगी और फिर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने मुझे बहुत नीर से जिताया है, शुक्रिया शुक्रिया। ने हमारा घर तोड़ा, घर तो तब टूटता था कि तीनों में से कोई एक या दो सीट हारते, हमने तीनों की तीनों जीती है, हमारा घर फिर वापस खड़ा है, हमने उनका तोड़ा है, जो हमारे घर की तरफ जानते थे हमने मिलकर उनका घर तोड़ा है। तो भाई सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये ठाकर इकबाल सिंह की क्यादत में हम लोग काम किया है, उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे हम लोग जो है वो चल रहे हैं। आप लोगों का संजोग जो है जैसे जैसे मिला है, ऐसी बात नहीं है कि कोई काम जो है वो छूटेगा। हाँ, सरकार अगर ढीली है, पैसा सुना जाता हुआ मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हम पर अच्छी नजर रखी, जिनकी और प्रेमी वाले बाजी साहब, जो हम कदाचित बोल नहीं सकते, मुताबिक इलेक्शन लड़ा और हमारे मजे मुकाबले जो लोग थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर इलेक्शन लड़ा वहां, मगर कालाकोट की आवाम ने, कालाकोट के हिंदू मुसलमान ने ये बात साबित करके दिखाई कि हम चाहते हैं, हम यहाँ की खुशहाली चाहते हैं, हम यहाँ लड़ाई नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, हमें चलाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाने वाले उमर साहब हैं, अल्ताफ साहब हैं और यहाँ कालाकोट में चलाने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं जिन्होंने आज तक चलाई और आज से यशु वर्धन जी भी उनके साथ हैं। हमें एक अच्छी बात हो गई, मोगला वाले कहते थे कि फन सारे कालाकोट वाले खा गए, डांगरी वाले कहते थे फंड सारे कालाकोट वाले खा गए, अल्लाह ने चाहा ये इलेक्शन हमने जीता, मोगला वाले अपने फंड खाए, डांगरी वाले अपने फंड ले, हम कालाकोट वाले वही अपने फंड लेंगे, अब गिला शिकवा किसी का नहीं रहा है। मैं अपनी अजीज शमीम जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, सेब के पास ने इकतदार दिया है, आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इन लोगों को आपको आने लगा साल तक वो खुशी भी आप पूरी करा, अगर वह अच्छी कभी में ताकत हुई, बाबा जी की ताकत हुई, आने लगा साल जशु पटेल वास्तव भी मारा को लाई जाए, गरीबों को भी अमीरों को भी जय हुआ होगी, इशा अल्लाह इस्लाम भी हमका मदद करा, आज हम मुख्य को है हमारा सारा हिंदू मुसलमान किसान कटा रहा, तो इंशाअल्लाह बहुत दिन दूर नहीं है कि हम इस तरह के शुभ नवी कामयाब इस तरह करेंगे। प्रधान मां
यहाँ पर मंच पर बैठी हूँ, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते और बड़ी प्यार से नमस्ते करती हूँ, सलाम करती हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने अपनी पार्टी को जिताया। ऐसे ही काम करते रहना, ऐसे ही चलते रहना, जब भी कोई अपना आगे आए उसको जिताओ ताकि हमारी जो पार्टी है वो जीती रहे। उन्होंने बहुत सा जोर लगाया कालाकोट में आके, मैं मोगला की बात नहीं करूंगा। रविंद्र रैना जी, आप अपना ध्यान रखें, आप मैं स्टेट पे कहता हूं आपको कि आने वाले टाइम में हमें आपको दिखाएंगे, आप निशाना वाली सीट निकालिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपका कितना दम है। कालाकोट वाली सीट जो है, जो हम दशोवर्धन सिंह जो है, जे आपने दिखाया है वो करके, जो आपने आज हमारी तीन सीटों का रंग लगाया है, आप लोगों ने महंगी रंग देती है सूख जाने के बाद और मोहब्बत ज्यादा आती है टूट जाने के बाद। आज हम फायदा लेने के चक्कर में रूरल डिपार्टमेंट के साथ रहते हैं, लेकिन हमारे साथ 29 डिपार्टमेंट है, हमने ग्राम सभा में वो सबको लाना है। एक फुट पे है हमारा, जो भी काम था हमारा, कोई भी साइन के लिए अगर फाइल जाती है तो वो कहते हैं जी हमें उसका फोन आया है, हमारा एक भी काम नहीं होता है। मैं जी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं भूषण उपल जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको जी आज कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी बहुत रियायत जो हमें मिली थी वो पंचायती इलेक्शन में मिली थी, क्योंकि हमें पंचायती इलेक्शन जो हुआ था वो हमने भक्ति जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ वोट डाला था, कुछ थोड़े बहुत सरपंच हमारे ज्यादा जीते थे उसके लिए थोड़ी बहुत रियायत हमें मिली थी, नहीं तो हम 6 सालों से हमारा कोई भी काम ना तो एमजी नरेगा हुआ, बाकी तो बड़े कामों की तो बात ही छोड़ो, जो एमजी नरेगा था वो भी जहां का वहां और वहां का जहां होता रहा। और आपके जवाब किसी गरीब आदमी का काम किसी दफ्तर में नहीं हो रहा है, यहां का फीसल मनमानी कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो भी हमारे लोग जीत कर सामने आए और जिनको हम इस गरीब आवाम ने संभाली दिए, मेरी उनसे गुजारिश है और हमारी आला क्यादत से गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कल कान खोले जाएं ताकि यह गरीब लोगों का काम करें, कोई भी किसी गरीब का काम करके राजी नहीं। हाँ, उन लोगों का काम है हो रहा है जिनके पास पैसा है, जिन लोगों के पास पैसा है एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे, जिस गरीब के पास पैसा नहीं है देने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं।